वेलकम टू काव्यांग एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और इसमें हमने गोयल वंश पढ़ लिया था। तो जो कल पढ़ा था उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल एक तो हमने पढ़ा था जैत्र सिंह, कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल एक पढ़ा था हमने जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के बारे में पढ़ा था कि भैया एक तो उन्होंने राजधानी किसको बना दिया था, चित्तौड़ को। दूसरी बात, भूताला का युद्ध सन 1227 में किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ, ये दो बातें देखी थी। इसकी जानकारी मिलती है जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मदमर्दन, उसमें हमें इसका पता चलता है। ठीक है, इसके बाद अगला शासक तेज सिंह, इसके बारे में पढ़ा था। तेज सिंह के शासनकाल में सर्वप्रथम जो मेवाड़ चित्रकला का चित्रित ग्रंथ था कौन सा था, तो भैया श्रावक प्रतिक्रमण। सूत्र चूर्णी ये चित्रित हुआ था, चित्रित करने वाला व्यक्ति कौन था, कमलचंद। ठीक है भैया, कौन था, कमलचंद। आगे बात की थी हमने जैत्र सिंह, तेज सिंह, उसके बाद समर सिंह के बारे में, तीसरा शासक। कल का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समर सिंह के बारे में बात की थी, समर सिंह के दो पुत्र थे कौन कौन, रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहाँ चला गया था, नेपाल, और नेपाल में जाकर कौन सी गोयल शाखा की स्थापना की थी। ठीक है भैया, कुंभकर्ण ने। आगे बात करते हैं, तेने गुजरात से तुर्कों के आक्रमण से गुजरात को बचाया था, तो गुजरात का उद्धारक सिंह के समान, ये किन क्या शत्रुओं का नाश करते थे, संहार करते थे, किसके समान, सिंह के समान। आगे बात करते हैं तो रावल रतन सिंह के बारे में। अगला शासक जो हमने कल पढ़ा था रावल रतन सिंह, इसके बारे में सन 1540 की एक पुस्तक थी मलिक मोहम्मद जायसी की, कब की, 1540 की, पुस्तक का नाम पद्मावत। उससे जो कहानी थी कि सिंगलदीप की राजकुमारी थी पद्मावत, गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री, उससे शादी करके लेके आ गया था कौन, रतन सिंह। उसके बाद भैया अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और क्या सन 1303 25 अगस्त 1303 ईस्वी को पहला साका होता है। साका मैंने बता दिया था आपको, जिसमें जौहर, साके में क्या क्या होता है, जौहर और केसरिया साथ साथ होता है, तो क्या कहलाता है, साका कहलाता है। ठीक है, कब हुआ था, 25 अगस्त 1303 को, सॉरी भैया 25 अगस्त 1303 को, जिसमें केसरिया करते हैं कौन कौन, रावल रतन सिंह और इसके दो सेनापति कौन कौन, गौरा और बादल, और साका कौन करती है, साका करती है इसमें पद्मिनी। यहां तक मैंने बता दिया था। उसके बाद जब ये किले को जीत लेता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे देखो इसके बाद, ठीक है भैया, अलाउद्दीन जब किले को जीत लेता है, अंदर आके देखता है तो उसे पद्मिनी नहीं मिलती है। किसके अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, जायसी की जो पुस्तक है उसके अनुसार जब पद्मावत नहीं मिलती है, पद्मिनी नहीं मिलती है, तो वहां कितने हजार लोगों का, 30,000 लोगों को कटवा देता है। 30,000 लोगों को कौन कटवा देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। और जो चित्तौड़ का दुर्ग था उसको ये खिलजी किसको सौंप देता है, अपने पुत्र खिज्र खां को। खिज्र खां को सौंप देता है, इसका नाम रख देता है भैया खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी किसको सौंप देता है, अपने पुत्र खिज्र खां को, और इसका नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। जो खिज्र खां थे ये यहां पर दो कार्य करवाते हैं, देखो कौन कौन से, इसके बारे में देख लो। अब शासक कौन बन गया, चित्तौड़ का खिज्र खां, और खिज्र खां यहां पर दो कार्य करवाता है, कौन कौन से थे,
एक तो आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो दो नदियों के संगम पर है, एक तो गंभीरी और बेडच, मेसा के पठार पर बना हुआ दुर्ग है ये, और दो नदियों के संगम पर है। इधर से गंभीरी नदी आती है और इधर से भैया बेडच, और इन नदियों के बीच में कौन सा दुर्ग बना हुआ है अपना? इन दोनों नदियों के बीच में एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है भैया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इस नदी पर एक पुल का निर्माण करवाता है, एक किसका निर्माण करवाता है भैया? पुल का, ध्यान रखना। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण कौन करवाता है? तो खिज्र खां। दूसरा यहीं चित्तौड़ में एक मकबरा बनवाता है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनवाता है? मकबरा बनवाता है, और उस मकबरे में फारसी भाषा में अपने पिताजी अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ में लिखवाता है कि मेरे पिताजी क्या है, ईश्वर की छाया है। आगे लिखता है मेरे पिताजी क्या है, सिकंदर सानी, सानी मतलब दूसरा सिकंदर है मेरे पिताजी। आगे लिखता है मेरे पिताजी संसार के रक्षक हैं। तो ऐसा कौन लिखता है अपने पिताजी के बारे में? खिज्र खां। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही एक मकबरा बनवाता है, और उस मकबरे में फारसी भाषा में अपने पिताजी की तारीफ में लिखता है कि मेरे पिताजी क्या है, ईश्वर की छाया है, सिकंदर सानी है, संसार के रक्षक हैं। कौन लिखता है? खिज्र खां। एक गंभीरी नदी पर किसका निर्माण करवा देता है? पुल का। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको किसको सौंप दिया? खिज्र खां को। खिज्र खां यहाँ क्या क्या कार्य करवाता है? तो गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाता है, एक मकबरा बनाता है, और मकबरे में फारसी भाषा में अपने पिताजी की तारीफें, बहुत सारी तारीफें करता है, खूब सारी, कि भैया मेरे पापा हैं वो क्या है, ईश्वर है, स्वयं ईश्वर की छाया है। सिकंदर सानी मतलब दूसरे सिकंदर है, मेरे पिताजी क्या है, दूसरे सिकंदर है, और मेरे पिताजी क्या है, संसार के रक्षक है। ऐसे करके अपने पिताजी की खूब सारी तारीफें किसमें लिखवाता है? एक मकबरा बनवाता है। ठीक है, आगे चल के कुछ समय बाद जो खिज्र खां है वो यहां परेशान हो जाता है और अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मेरा इस चित्तौड़ में मन नहीं लगता, मैं वापस आना चाहता हूं। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, आप वापस आ जाओ। तो खिज्र खां बोलता है मैं तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसको किसको सौंपोगे आप, किसको यहां पर बिठाओगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर? तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आप कोई दिक्कत मत लो, मेरे पास एक व्यक्ति है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को संभाल लेगा। ठीक है भैया, तो ये बात है खिज्र खां के बारे में ध्यान। और एक और चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, आप जो आक्रमण किया था ना किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका वर्णन मिलता है, एक व्यक्ति था अमीर खुसरो। इस पुस्तक का ध्यान रख लेना, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है खजाइन उल फतुह, खजाइन उल फतुह में जो 1303 में जो साका हुआ था, जो युद्ध हुआ था किस किस के मध्य, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, उसका पूरा वर्णन मिलता है कौन सी पुस्तक में? खजाइन उल फतुह। किसकी लिखी हुई है? तो अमीर खुसरो की। यह बात ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बता दिया खिज्र खां को सौंपा, उसने क्या क्या कार्य करवाए, इसका नाम बदला, सबसे पहले तो क्या रख दिया, खिजराबाद। गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया, एक मकबरा बनवाया जिसमें अपने पिताजी की क्या करता है, तारीफ करता है खूब सारी। ठीक है, कुछ साल यहाँ पर 10-12 साल रहा कौन, खिज्र खां। उसके बाद इसने अपने पिताजी से कहा कि मेरा मन नहीं लगता चित्तौड़, मैं दिल्ली वापस आना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा आ जा बेटा, मैं किसी दूसरे इंसान को भेज देता हूँ, और यहाँ पर एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ में मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनग्रा को खिज्र खां के बाद कहां भेज दिया? खिज्र खां जब वापस चला गया चित्तौड़ को छोड़ के कहां, दिल्ली, तो किसको भेजा चित्तौड़ संभालने के लिए? मालदेव सोनग्रा को। इसका दूसरा नाम है मूछड़ा मालदेव, बड़ी बड़ी मूछे थी इसकी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूछड़ा मालदेव। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मालदेव सोनग्रा है कौन, तो थोड़ा सा देखो पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये कौन है। थोड़ी सी एक कहानी सुनो, 1303 में साका कहाँ हुआ था? 1303 में साका हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन
खिलजी करता है। ठीक है, कौन कौन सागे करते हैं? रावल, रतन सिंह, केसरिया करते हैं गोरा बदल के साथ, और रानी पद्मनी क्या करती है? जौहर करती है अपनी 1600 दासियां या रानियों के साथ। आगे बात करते हैं तो सन 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1311 में। उस समय जालौर के शासक थे कान्नड़ देव सोनग्रा, समझना भैया। ठीक है, मालदेव सोनग्रा से कौन है? कान्नड़ देव सोनग्रा। और आक्रमण करते हैं भैया तो इसमें हार जाते हैं कौन? कान्नड़ देव सोनग्रा। यहां पर भी क्या होता है? सन 1311 ईस्वी में साका होता है जिसमें कान्नड़ देव सोनग्रा की मृत्यु हो जाती है। इसका भाई था कौन? मालदेव सोनग्रा। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव सोनग्रा उस युद्ध में भाग गया था, या इसको कान्नड़ देव सोनग्रा ने भगा दिया था, या बच गया था, कैसे भी करके ये बच गया और इसने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार किसने कर ली? मालदेव सोनग्रा ने। अब आपको पता चल गया मालदेव सोनग्रा कौन था। तो मालदेव सोनग्रा कान्नड़ देव सोनग्रा का भाई था। ये सोनग्रा चौहान होते हैं भैया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सोनग्रा कौन है? तो चौहान है। जालौर के शासक थे जिन पर 1311 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी में, जिसमें 1311 ईस्वी में जालौर में क्या हुआ था? साका हुआ था। कान्नड़ देव सोनग्रा की मृत्यु हो गई, कौन बच गया? मालदेव सोनग्रा, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जब खिजर खां यहां पर नहीं रहे, दिल्ली वापस चले गए 10-12 साल के बाद, तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था वो किसको सौंप दिया? मालदेव सोनग्रा को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखो भैया, अब यहां से अपन स्टार्ट करेंगे सिसोदिया वंश को, ठीक है। तो अभी चित्तौड़ का शासक कौन था? मालदेव सोनग्रा, मैं बता चुका हूं। अब देखो भैया सिसोदिया वंश की उत्पत्ति कैसे होती है। सिसोदिया, यहां तक जो कौन सा वंश चल रहा था, तो यहां तक चल रहा था गोहिल वंश। अब आ जाएगा सिसोदिया वंश, कैसे आएगा? मैं अभी बता रहा था आपको मालदेव सोनग्रा किस कहां पर है? चित्तौड़ पर। और सिसोदिया एक भैया क्या था, मेवाड़ का एक ठिकाना था सिसोदा, उसका एक शासक था जिसका नाम था अजीत सिंह, ये अरि सिंह कह सकते हैं, अजीत सिंह कह सकते हैं, बात एक है इसके नाम। और उसका पुत्र था हम्बीर। अब देखना भैया, ध्यान देना, ठीक है, कि जो सिसोदिया वंश था ये कैसे आया था, उसके पुत्र का नाम क्या था? हम्बीर। अजीत सिंह का पुत्र हम्बीर सिसोदिया का ठिकाना था। पहले क्या होता था कि राजा है तो जैसे राजा के दो लड़के हैं, तो बड़ा लड़का तो शासक बन जाता था और छोटे जो छोटा लड़का था उसको क्या दे देते थे? ठिकाना दे देते थे। तो ये कौन से ठिकाने का? एक गांव था सिसोदा, वहां का कौन था? सामंत था कौन? अजीत सिंह, या फिर सरदार था कौन? अजीत सिंह। और उसका पुत्र कौन था? हम्बीर। इसके समय भैया मालदेव सोनग्रा कहाँ का शासक है? चित्तौड़ का। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मालदेव सोनग्रा का एक बेटा था जिसका नाम था जैसा सोनग्रा, जैसा सोनग्रा। और बात है सन 1326 ईस्वी की। अब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार जो मालदेव सोनग्रा का करवाया था वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपको पता होगा इस समय तक 1326 ईस्वी तक खिलजी डायनेस्टी क्या हो गई थी? दिल्ली से समाप्त हो गई थी। तो जो मालदेव सोनग्रा का पुत्र था जैसा सोनग्रा, इसको दिल्ली से सपोर्ट मिलना बंद, क्योंकि दिल्ली के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने ही तो बैठाया था इसको, मालदेव सोनग्रा को, कहां? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन जैसे ही खिलजी डायनेस्टी समाप्त हुई तो इनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया, किसको? जैसा सोनग्रा को। और इसी का फायदा उठाया हम्बीर ने और आक्रमण कर दिया किस पर? जैसा सोनग्रा। कौन था? तो मालदेव सोनग्रा का पुत्र था। और इसको हराकर और सन 1326 ईस्वी में कहां पर? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया भैया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कैसे किया हम्बीर ने तो मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे अपन सिसोदिया वंश में अगला शासक हम्बीर। और यहां के बाद जो पहले के राजा क्या लगाते थे? रावल। और यहां के बाद के शासक अपने आगे क्या लगाने लग जाएंगे? राणा या महाराणा, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। राणा हम्बीर कौन था?
तो सिसोदिया के एक सामंत थे, सरदार थे, अजीत सिंह उनका पुत्र था, हमीर, ठीक है। इन्होंने किस पर किसको हराकर, तो इनके विजय अभियान दो देखो भैया, विजय अभियान कौन कौन से हैं हमीर के। विजय अभियान में देखो, एक तो जैसा सोनग्रह को हराया, जैसा सोनग्रह कौन थे, तो जैसा सोनग्रह किसके पुत्र थे, मालदेव सोनग्रह, मुछड़ा मालदेव के हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया भैया, अधिकार कर लिया, ये बात ध्यान रखना। पहला विजय अभियान क्या था भैया, तो मालदेव सोनग्रह ने क्या किया था, मालदेव सोनग्रह के पुत्र जैसा सोनग्रह को हराकर और किस पर अधिकार कर लिया, अमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ में भैया कौन से वंश की स्थापना की, सिसोदिया वंश का संस्थापक, तो सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो राणा हमीर। यहां के बाद के शासक क्या अपने आगे क्या लगाने लग गए, राणा, क्या लगाने लग गए, टाइटल, राणा टाइटल लगाने लग गए, राणा या महाराणा। राणा या फिर क्या लगाने लग गए भैया, महाराणा। तो देखो भैया, विजय अभियान देखा था हमने, इन्होंने फायदा उठाया किसका, खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो गई, दिल्ली से सपोर्ट मिलना बंद हो गया किसको, मालदेव सोनग्रह के बेटे जैसा सोनग्रह को, और तभी इसने आक्रमण कर दिया। अमीर किसका बेटा था, तो सिसोदिया में, सिसोदिया के सामंत अजीत सिंह का बेटा था, तभी आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, जैसा को हराकर, और चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और चित्तौड़ में किस वंश की, सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। यहां के बाद के शासक अपने आगे क्या लगाएंगे, राणा लगाएंगे। इससे पहले के शासक क्या लगाते थे, रावल। रावल जो शाखा था उसका अंतिम शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह था, ठीक है भैया, बात ध्यान रखना, ठीक है, कौन था, रावल रतन सिंह। आगे देखो, विजय अभियान में इन्हीं के समय दिल्ली के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसी समय दिल्ली के शासक कौन थे भैया, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करते हैं कहां पर, मेवाड़ पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, और कौन से युद्ध में, तो युद्ध का नाम था भैया सिंगौली का युद्ध, कौन से युद्ध में, सिंगौली के युद्ध में। दो विजय अभियान है इनके, दो विजय अभियान है, एक तो किसको हराया, जैसा सोनग्रह को हराया, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। युद्ध का नाम क्या है, तो सिंगौली का युद्ध, ठीक है भैया, कौन सा युद्ध है, सिंगौली का युद्ध, बात ध्यान रखना। किसके बारे में बात चल रही है, राणा हमीर के बारे में, यह कौन है, तो भैया सिसोदिया वंश के संस्थापक हैं, और हमीर वो राणा शाखा के प्रथम कौन है, शासक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला, राणा हमीर के बारे में, शासनकाल 26 से 1364। विजय अभियान में एक युद्ध कौन सा किया था भैया, अभी मैं बता रहा था आपको, सिंगौली का युद्ध, अब इसकी कोई एग्जैक्ट डेट में नहीं मिलती, ठीक है भैया, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, सिंगौली का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो कब हुआ था इसकी कोई डेट नहीं मिलती है, लेकिन किस किस के मध्य हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो गई अभी, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी आ गई अगली, तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक और किसके मध्य, राणा हमीर के मध्य, ठीक है, जिसमें कौन विजयी रहे, तो हमीर, और इस युद्ध की कोई एग्जैक्ट डेट
नहीं मिलती। कौन जीता? राणा हमीर। एक दूसरा विजय अभियान में कौन सा था भैया? तो मालदेव सोनग्रह के पुत्र जैसा सोनग्रह को हराकर किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ पर कौन सी शाखा? राणा शाखा सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? राणा हमीर ने। एक इन्होंने चित्तौड़ में एक माता का मंदिर बनवाया, अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, दो तो विजय अभियान ध्यान रखना है आपको, एक मंदिर ध्यान रखना है। कौन सा मंदिर बनवाया? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इनकी कुछ उपाधियां हैं, वो ध्यान रखो। आगे हमीर की उपाधियां, इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी? हमीर और इनकी क्या भैया? तो उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां थी? एक तो इनको जेम्स टॉड ने क्या कहा है? तो प्रबल हिंदू राजा। जेम्स टॉड इनको क्या बताते हैं? प्रबल हिंदू राजा। जेम्स टॉड इनको क्या बताते हैं? तो प्रबल हिंदू राजा। आगे रसिक प्रिया की टीका है, टीका जो किसने लिखी थी? कुंभा ने। आगे मैं कुंभा पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। रसिक प्रिया की टीका थी जो कुंभा ने लिखी थी, उसमें से वीर राजा कहा गया है। ठीक है भैया, आगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानम, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। इससे पहले उपाधि अपन ने किसकी पढ़ी थी? बप्पा रावल की। कौन कौन सी थी? चकवे, राजगुरु, हिंदू सूर्य, ये तीन उपाधि पढ़ी थी अपन ने। किसकी? पहली क्लास में बप्पा रावल की पढ़ी थी, ध्यान रखना। और इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? उदारक कहा जाता है। तो चार उपाधियां हैं। ठीक है भैया, प्रबल हिंदू राजा, वीर राजा, विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का अवधारक। देखो भैया, हिंदू प्रबल हिंदू राजा कौन कहते हैं? जेम्स टॉड कहते हैं कि ये भैया मेवाड़ में कैसा है? प्रबल हिंदू राजा। हिंदुओं का कैसा राजा है? प्रबल राजा है। आगे बात करते हैं, रसिक प्रिया जो टीका लिखी थी, रसिक प्रिया की एक टीका लिखी थी किसने? तो कुंभा ने लिखी थी। उसमें क्या लिखा है कि वीर राजा है। कौन? हमीर कैसा राजा है? वीर राजा। एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसमें लिखते हैं विषम घाटी पंचानन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि थी? तो किसकी उपाधि थी? हमीर की। विषम यानी होता है विकट परिस्थिति या विषम परिस्थितियों में, पंचानन मतलब शेर के समान रहने वाला, विषम परिस्थितियों में भी आराम से रहने वाला कौन है? हमीर है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको कौन सी क्या उपाधि दी गई है? विषम घाटी पंचानन की। मेवाड़ का उदाहरण तो इन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि मेवाड़ का राज्य कब खत्म हो गया था? 1303 में मेवाड़ से शासन खत्म हो गया था हिंदुओं का। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने यह किला किसको सौंप दिया था? अपने बेटे जीत लिया था, सौंप दिया था खिजर खां को। उसके बाद मेवाड़ में फिर से सत्ता स्थापित किसने की? तो किसने की? हमीर ने। किसने की भैया? हमीर ने। इसलिए हमीर को क्या कहते हैं? तो हमीर को कहते हैं मेवाड़ का उदारक। मेवाड़ का उद्धार किया था हमीर ने। ठीक है, फिर से शासन स्थापित करने, ध्यान रखना। आगे हमीर के बारे में और देख लो एक बार, कौन कौन सी बातें आज अपन ने पढ़ी थी। राणा हमीर, हमीर ने 1326 से 1364 के बीच क्या किया? शासन किया। शासनकाल विजय अभियान जैसा सोनग्रह को हराया, जो कि मालदेव सोनग्रह मुछाड़ा मालदेव के पुत्र थे, हराकर और चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर कौन से वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश की स्थापना की। यहाँ के बाद कौन सी शाखा चलने लग जाएगी? राणा। यहाँ के बाद के राजा अपने आगे क्या लगाने लग जाएंगे? राणा या फिर महाराणा। आगे अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? एक सिंगोली का युद्ध होता है कौन कौन के मध्य? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य, जिसमें राणा हमीर क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। ठीक है भैया, राणा अमीर क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। आगे बात करते हैं,
सिंगोली के युद्ध के बाद तो इनकी कुछ उपाधियां थी, इन्होंने एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया कहां पर, चित्तौड़ में, जो कि इनकी क्या है, इष्ट देवी है। हेलो, तो चित्तौड़ में कौन सी माता का मंदिर बनवाया, अन्नपूर्णा माता का, जो इनकी क्या है, इष्ट देवी है। और इनकी कुल देवी क्या है, तो कुल देवी बाण माता है। बाण माता क्या है, कुल देवी है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया, हमीर ने बनवाया, ठीक है। उसके बाद हमीर की हमने उपाधियां देखी थी कुछ, क्या क्या उपाधि है। जेम्सटोर्ड हमीर को क्या कहते हैं, प्रबल हिंदू राजा कहते हैं, कि हिंदुओं का कैसा शासक है, ये प्रबल शासक है। जो रसिक प्रिया की टिका लिखी थी किसने, कुंभा ने, आगे मैं कुंभा पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। कुंभा ने रसिक प्रिया की टिका लिखी थी, उसमें से क्या कहा है, वीर राजा कहा है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा है। और मेवाड़ का उद्धारक का, मेवाड़ का उद्धारक भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ में सत्ता खत्म हो गई थी भैया वंश की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सत्ता को फिर से स्थापित किया था, मेवाड़ का क्या कहा जाता है, उद्धारक कहा जाता है। अगला शासक देखते हैं इसके बाद, क्षेत्र सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह, शासनकाल 1364 से 1382, 1364 से 1382। इनके बारे में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, कौन सी, कि इन्होंने मालवा के शासक, इन्होंने मालवा के शासक किसको हराया था, दिलावर खां गौरी, दिलावर खां गौरी को हराया था। ठीक है भैया, मालवा एक रियासत है, कहां पर है, तो मालवा है एमपी में। और यहां के शासक कौन थे, तो दिलावर खां गौरी। और इसी के बाद से मेवाड़ और मालवा में क्या, अनबन हो गई भैया, ठीक है। इसके बाद हमेशा मेवाड़ और मालवा में क्या चले, युद्ध चले। तो इस युद्धों का जन्मदाता कौन था, महाराणा क्षेत्र सिंह, जिसने सर्वप्रथम किसको हराया था, मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को हराया था। किसको हराया था, मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को हराया था, ठीक है भैया, बात ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट बात। एक ही बात है इस शासक के बारे में, क्षेत्र सिंह के बारे में एक बात क्या ध्यान रखनी है, कि इनका युद्ध हुआ था किसके साथ, मालवा के शासक दिलावर खां गौरी के साथ, और इन्होंने दिलावर खां गौरी को हरा दिया था। और यही जन्मदाता कहलाते किसके भैया, मेवाड़ और मालवा के, जो आगे चल के जो भी युद्ध होंगे उनके जन्मदाता कौन कहलाते हैं, तो महाराणा क्षेत्र सिंह कहलाते हैं, इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखनी, किसके बारे में, महाराणा क्षेत्र सिंह के बारे में। आगे बात करते हैं, अगला शासक भैया, महाराणा लक्ष्य सिंह या कह सकते हैं लाखा, महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह, शासनकाल 1382 1421। इनके बारे में देखो भैया, इनके बारे में जो सबसे पहली बात मिलती है हमें, वो मिलती है इनके शासनकाल में जावर से 4 निकलना प्रारंभ हुआ। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जावर से क्या प्रारंभ हुआ, चांदी निकलना। जो जावर की खान है उदयपुर में, उससे क्या निकलना प्रारंभ हुआ, चांदी निकलना, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, पहली बात, महाराणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421। नाम में ही लाखा आ रहा, लाखा मतलब लखपति। लखपति व्यक्ति कब होगा, जब उसके पास पैसे आएंगे। तो इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, ये क्या हो गए थे, लखपति, ऐसे करके ध्यान रख लेना, ठीक है। ये क्या हो गए थे, लखपति, क्योंकि इनके शासनकाल में मेवाड़ से क्या निकलने लग गई,
चांदी निकलने लगी, चांदी निकलेगी, चांदी को बेचेंगे, बेचने के बाद क्या आएंगे इनके पास पैसे आएंगे, पैसे से ये क्या हो गए लखपति हो गए, तो इनका नाम क्या हो गया लाखा। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो। लाखा के शासनकाल में जावर से क्या निकलना प्रारंभ हुआ चांदी। एक इनके शासनकाल में पिछौला झील, पिछौला झील का निर्माण हुआ। क्या हुआ भैया पिछौला झील का निर्माण होता है, पिछौला झील का निर्माण कौन करता है राणा लाखा, राणा लाखा नहीं करते हैं, पिछौला झील का निर्माण करता है एक बंजारा करता है भैया, ठीक है, जिसका नाम था पिछू बंजारा, पिछू या कह सकते हैं चिड़ीमार। किसकी स्मृति में, तो अपने बैल की स्मृति में। अपने बैल की स्मृति में पिछोला नामक गांव के पास में किस झील का निर्माण करवाता है, पिछोला झील का निर्माण करवाता है, ठीक है भैया। दूसरी बात ये, पहली बात तो जावर से क्या निकलना प्रारंभ हो गई चांदी निकलना प्रारंभ हो गई, दूसरी बात पिछोला झील का निर्माण करवाता है किसके शासनकाल में महाराणा लाखा के शासनकाल में, लाखा नहीं करवाता है ये बात ध्यान रखना, ठीक है, लाखा नहीं करवाता है, कौन करवाता है एक बंजारा करवाता है, किसके लिए अपने बैल की स्मृति में। और पिछू गांव के पास में, पिछोला गांव के पास में होने के कारण इसका नाम क्या हो गया पिछोला झील। दो चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है भैया, एक तो जावर में चांदी निकलना प्रारंभ हुआ, दूसरा पिछोला झील कौन करवाता है तो बंजारा, बंजारे का नाम क्या था पिछू या चिड़ीमार, और किसके लिए करवाता था अपनी बैल की स्मृति में करवाता है, दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं इसके बारे में अपन राणा लाखा के। राणा लाखा के बारे में आगे बात करते हैं, तो देखो भैया एक तो जावर से चांदी निकलना प्रारंभ हो गया इनके शासनकाल में, एक पिछोला झील का निर्माण हो गया। आगे किस समय बूंदी में शासन था हरडाओं का, और इनकी शादी होती है एक रानी से जिसका नाम था हाडी रानी। हाडी रानी से शादी कौन करते हैं राणा लाखा। तो थोड़ी सी कहानी है इसको सुन लो भैया, ठीक है। शादी करने के बाद हाडी रानी को ले आते हैं चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आने के बाद हाडी रानी बैठी थी और शाम को खाना खा रहे थे कौन राणा लाखा, पास में हाडी रानी बैठी थी, और राणा लाखा पूछते हैं कि आपको चित्तौड़ कैसा लगा, तो हाडी रानी बोलती है ठीक है अच्छा है चित्तौड़ बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है। बोल बस बढ़िया है, नहीं नहीं बोला अच्छा है, पर सबसे ज्यादा अच्छा तो हमारा क्या है बूंदी है। आपको पता होगा लड़कियों के सबसे मतलब सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है अपने पियर से, तो पियर की तो बिल्कुल वो बड़ाई करेंगी करेंगी। तो ऐसे कहा हाडी रानी से पूछ रहा था कि सब बढ़िया है महल वेल सब बढ़िया, चित्तौड़ का दुर्ग कैसा है, बोल अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा कौन सा है हमारे बूंदी का किला इससे अच्छा है। बोल ऐसी बात है सोच लो एक बार, और एक बार आपने देखे महल वेल देखे यहाँ पूरे, हाँ बोल पूरा देख लिया, तो फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा, बोल अच्छा तो लगा लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है हमारे बूंदी का। ऐसी बात सुनकर राणा लाखा को गुस्सा आ गया और उसने खाने की थाली सरका दी पास में, और बोले मैं खाना तभी खाऊंगा जब कौन सा बूंदी का किला दहा दूंगा पटक दूंगा या बूंदी को जीत लूंगा, उसके बाद ही क्या खाऊंगा खाना खाऊंगा, ठीक है। ऐसी प्रतिज्ञा कौन ले लेते हैं राणा लाखा, ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। आगे भैया, और जाते ही कहते हैं अपने सेनापति मंत्रियों से कि सेना तैयार करो और हमें चलना है कहाँ बूंदी चलना है। बोले क्यों, बोले बूंदी पर आक्रमण करना है। बोले यार कैसी बात कर रहे हो राजा साहब आप, कल ही तो आप वहां पर शादी करके आए तोरण मार के आए, राज वहां पर जाके आप खून बहाओगे, ये क्या कोई अच्छी बात थोड़ी है। बोले नहीं ये मैंने प्रतिज्ञा ली है, मेरी रानी को कौन सा किला ज्यादा अच्छा लगता है बूंदी का, जब तक मैं बूंदी का किला जीत नहीं लेता और उसको डहा नहीं देता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोल नहीं ये तो गलत बात है, थोड़ा रुको बाद में 6 महीने बाद साल भर बाद अपन आक्रमण करेंगे और बूंदी जीत लेंगे, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता कि 2 दिन पहले तो वहां से शादी हुई है और 2 दिन के बाद अपन क्या कर दें आक्रमण कर दें, तो फिर इसका क्या करें भाई 6 महीने तक भूखा थोड़ी रहूंगा, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक बूंदी नहीं जीत लेता, कि इसका इलाज अपने पास है। बोल क्या इलाज है, कि एक छोटा सा दुर्ग बनवाते हैं चित्तौड़ के बाहर और उसका नाम
कि किला बनवाते कहां पर, चित्तौड़गढ़ के बाहर नकली, और उसका नाम क्या रख देते हैं, बूंदी दुर्ग, और आप उसको क्या है गिरा देना, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आप खाना खा लेना। ऐसा मंत्री जो राणा लाखा के सेनापति थे, मंत्री थे, ऐसा कहते हैं। तो भैया चित्तौड़ के बाहर एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम रखा गया बूंदी दुर्ग। और दूसरे दिन महाराणा लाखा अपनी सेना को तैयार करते हैं हाथी घोड़ों के साथ और चल देते हैं कहां, इस नकली बूंदी के दुर्ग को गिराने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। ठीक है भैया, जाते हैं और किले के बाहर खड़े हो जाते हैं। यहां से इधर खड़े हो गए कौन, लाखा जी अपनी सेना के साथ, कौन से किले को गिराने के लिए, तो बूंदी के किले को। कैसा था ये, नकली था, बनवाया था बस प्रतिज्ञा के लिए बनवाया था। क्यों बनवाया था, तो मैंने आपको कहानी बता दी कि उनकी जो पत्नी थी हाडी रानी, उसको कौन सा दुर्ग ज्यादा अच्छा लगता था, देवेंद्र मीणा। गुड मॉर्निंग भैया, आगे देखते हैं। तो कौन सा दुर्ग अच्छा लगता था, बूंदी का दुर्ग। ठीक है, तो इस वजह से इसको गिराने के लिए पहुंच जाते कौन, राणा लाखा। अब आपको पता होगा, देखो भैया शादी होने के तुरंत बाद है ना, शादी होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ कोई ना कोई घर से जाता है, या तो भैया जाता है या कोई और छोटा बच्चा जाता है। तो जो हाडी रानी थी, इसके साथ भी इसका भैया आया था जिसका नाम था कुंभा हाडा। नाम क्या था भैया, कुंभा हाडा। शादी करके जब लेके आए थे राणा लाखा, तो इनके साथ कौन आया था, साथ में कुंभा हाडा आया था। कुंभा हाडा इन सारी बातों को सुन रहे थे कि जीजाजी हमारे कौन सा दुर्ग को गिराना चाहते हैं, हमारे बूंदी के नाम से एक नकली किला बनवाया गया है और उसको क्या है गिराने जा रहे थे। ये भाई साहब कुंभा हाडा पे, कुंभा हाडा से कि मैंने सुना है कि आप इस किले को गिराने वाले हो। बोल हाँ यार, तू देख भूख बहुत ज्यादा लग रही है, मैंने ले रखी प्रतिज्ञा कि जब तक मैं बूंदी का किला गिराऊंगा नहीं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, आप बाद में बात करेंगे, तुम साइड हट जाओ। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं राणा लाखा। बोल नहीं जीजाजी, जब तक एक एक हाडा जिंदा है तब तक आप बूंदी का किला नहीं गिरा सकते कि यार ये तो नकली है। बोल चाहे नकली हो या असली हो, बूंदी का किला नहीं गिरा सकते आप, कब तक, जब तक एक एक हाडा जिंदा है। अरे बोले यार ले यार चॉकलेट खा लेना यार, 10 रुपए ले जा। बोल नहीं, जब तक आप मेरे को मार दोगे, मेरे मारने के बाद ये किला गिरा सकते हो, मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये किला नहीं गिराने दूंगा, चाहे ये किला कैसा है नकली है। तो राणा लाखा किसकी मृत्यु कर देते हैं, अपने साले कुंभा हाडा की, और उसके बाद इस किले को गिरा देते थे। ये बात ध्यान रख लेना भैया, ठीक है, कि नकली दुर्ग के लिए किसकी मृत्यु हो गई, किसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो एक छोटे से बच्चे 10-12 साल के बच्चे कुंभा हाडा ने नकली दुर्ग के लिए क्या दे दी, अपनी जान दे दी थी। ठीक है भैया, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, इसमें ये कहानी आ गई आपको समझ में कि शादी करके लेके आया कौन, राणा लाखा किसको, हाडी रानी, बूंदी की हाडी रानी थी, उससे पूछ रहा था कि आपको दुर्ग कैसा लगा। बोला अच्छा है, लेकिन हमारे बूंदी वाला ज्यादा अच्छा है। एक बार सोच लो, बूंदी वाला ही ज्यादा अच्छा है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा कौन सा है, बूंदी वाला। तो प्रतिज्ञा ले ली थी किसने, राणा लाखा ने, और प्रतिज्ञा लेने के बाद कि मैं जब तक बूंदी का किला नहीं गिराऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, और उसके बाद मंत्रियों ने उन्हें सजेशन दिया, मंत्रियों ने क्या दिया, सजेशन दिया, सुझाव दिया कि देखो आप अभी शादी करके आए हैं, अपन उसको नहीं गिरा सकते, अपन छोटा एक दुर्ग बना लेते हैं नकली का, हाँ चित्तौड़ के बाहर, उसको गिरा लेना, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद 1-2 साल बाद अपन आक्रमण करके असली बूंदी दुर्ग भी जीत लेंगे, गिरा देंगे। ऐसा करने में भैया इनके साथ भैया आया था कुंभा हाडा, हाडी रानी के साथ शादी के समय, तो ये पहुंच जाता है दुर्ग में, इसका ये अपने प्राणों की क्या दे देता है, आहुति दे देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नकली दुर्ग के लिए एक व्यक्ति कौन, कुंभा हाडा की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं राणा लाखा के बारे में, तीन बातें देख ली, जावर से चांदी निकलना प्रारंभ हो गया, दूसरी बात देखी थी अपन ने, दूसरी बात क्या थी कि पिछोला झील का निर्माण हो गया इनके शासनकाल में, और पिछोला झील से एक संबंधित बात है, वो थोड़ी सी ध्यान रखना। पिछोला झील है ये, जैसे भैया देखो पिछोला झील है, इसके किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है,
नटनी का चबूतरा। नटनी आप जानते हो, जो खेल दिखाते हैं गांवों में आते हैं और क्या दिखाते हैं भैया, खेल दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नट या नटनी, दोनों आते हैं और क्या दिखाते हैं हमें, खेल दिखाते हैं, रस्सियों पर चलते हैं। तो ऐसे ही एक दिन दरबार लग रहा था राणा लखा का, सुबह की टाइम थी, और वहां पर एक नट आता है। कौन आता है भैया? नट। और नट कहता है कि राणा साहब मैं आपको खेल दिखाना चाहता हूँ। बोल जी जरूर दिखाइए। बोल कैसा खेल दिखाओगे? बोल मैं रस्सी पर चलूंगा, मेरी जो नटनी है वो किस पर चलती है, रस्सी पर। कि बोले यार ये कौन सी बड़ी बात है, रस्सी पर तो सभी चलते हैं, सभी नट चलते हैं, तुम क्या अलग दिखाओगे, मैं थोड़ा अलग खेल दिखाता हूँ। बोल कैसे? कि मैं रस्सी रस्सी के ऊपर पूरी पिछोला क्रॉस कर जाऊंगी, मेरी नटनी है जो क्या कर जाएगी, रस्सी रस्सी के ऊपर पूरी पिछोला क्रॉस कर जाएगी। तो राणा लखा ने कहा यार देख टाइम तो बर्बाद करे मत, सुबह सुबह पहले तुझे पता है कितनी बड़ी है पिछोला, इसको क्रॉस करना है छोटी मोटी बात है। बोल नहीं राजा साहब कर जाएगी मेरी नटनी, इतना अच्छा खेल दिखाती है कि वो पूरे पिछोला क्रॉस कर जाएगी, किसके ऊपर, रस्सी के ऊपर, आप एक रस्सी बंधवाओ और देख लो भले से। तो राणा लाखा ने कहा कि आपकी अगर नटनी ऐसा कर जाती है तो मैं अपना क्या दे दूंगा, आधा मेवाड़ दे दूंगा। ठीक है भैया, नट ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अगर क्रॉस कर जाती है तो आप हमें क्या दोगे, आधा मेवाड़ दोगे। ये वचन किसने दिए थे, राणा लाखा ने। सारे भैया राज्य में अफवाह फैला दी गई, सॉरी भैया सारे राज्य में सूचना दे दी गई कि नटनी क्या दिखाने वाली है, खेल पिछोला पर। सभी राजा मंत्री सेनापति पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, और पूरे जो राज्य की प्रजा थी वो भी आके बैठ जाती है। रस्सी बंधवाई गई पिछोला के दोनों ओर, एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बंधवाई गई। नटनी चलते चलते भैया कूदने ही वाली थी, पार होने वाली थी बिल्कुल, पिछोला थोड़ा रहा था बस क्रॉस करने में। राणा लखा के दिमाग खराब कि यार राज्य जाने वाला है, बस अब तो आधा ही राज्य बचेगा, जाने वाला है थोड़ी बहुत देर में पूरा राज्य, राज्य जाने वाला है। और सभी चेयर कर रहे हैं, बुलवा बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ी सी देर और, 5 मिनट में पार हो जाओगे, थोड़ी सी देर और। राजा को गुस्सा है कि यार ये प्रजा क्या कर रही है, सेनापति क्या कर रहे हैं। राजा ने एक मंत्री को बुलाया, बोले दरा, बोल क्या है, हंस क्यों रहा है। बोले यार राजा साहब पार कर रही है। बोल पार तो कर रही है लेकिन अपना आधा राज्य भी तो जा रहा है इसमें, अगर वो पार कर जाएगी तो अपन को जो वचन के अनुसार क्या देना पड़ेगा, आधा राज्य देना पड़ेगा। तो मंत्री को भेजता है, चुपचाप सी रस्सी कटवा देता है, और कटने के साथ ही गल की नटनी थी वो मर जाती है। ठीक है भैया, गल की नटनी मर जाती है, और इसका ही चबूतरा बना हुआ है कहाँ पर, इस पिछोला झील के किनारे। तो ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तीसरी बात, कुंभा हड्डा को मार दिया गया नकली बूंदी के लिए, कुंभा हड्डा को मार दिया गया। आगे बात करते हैं भैया राणा लाखा के बारे में। तो इस समय देखो भैया दो रियासत थी, मारवाड़ रियासत थी एक, और मारवाड़ रियासत के जो शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। ध्यान देना भैया ठीक है बात पर, राव चुंडा, और इनके एक बेटी और एक बेटा था जिसका नाम था, बेटे का नाम था रायमल और बेटी का नाम था हंसाबाई। मारवाड़ रियासत में एक शासक हुए जिनका नाम क्या था, राव चुंडा, उनके बेटी का नाम हंसाबाई और बेटे का नाम रायमल। इधर राणा लाखा के बेटे का नाम था चुंडा, राणा चुंडा। ठीक है, ध्यान रखना दोनों का नाम चुंडा है, लेकिन एक कौन थे, मारवाड़ के थे, और एक राणा लाखा के मतलब मेवाड़ के थे। एक कहां के थे, मारवाड़ के, एक मेवाड़ के। तो जो मारवाड़ के राव चुंडा थे ये अपनी पुत्री हंसाबाई का रिश्ता भेजते हैं कहां भैया, मेवाड़ के, और किसके लिए भेजते हैं, तो चुंडा के लिए। तो ऐसे ही राजा का सुबह सुबह दरबार लगातार, पहले आपको पता है रिश्ता लेकर कौन जाया करते थे, पहले रिश्ता लेकर जाया करते थे कौन, ब्राह्मण जाया करते थे। ठीक है भैया, तो पहले रिश्ता लेकर कौन जाया करते थे, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण रिश्ता लेकर आया, ऐसे दरबार लगा हुआ था, इधर लाखा जी बैठे हैं और इधर लाखा की सेना बैठी हुई है पूरी, मंत्री सेनापति जो भी हैं, इधर चुंडा बैठा हुआ है। जैसे ही वो रिश्ता लेकर आए ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने ऐसे तो कहा नहीं कि हम चुंडा का रिश्ता लेके आए, जो मारवाड़ का राव चुंडा था उसने अपनी पुत्री का रिश्ता किसके लिए भेजा था, राणा लाखा के बेटा चुंडा के लिए। आपको पता है किसके लिए भेजा था, तो
राणा लाखा के बेटा चुंडा के लिए। लेकिन जैसे ही ये ब्राह्मण दरबार में पहुंचा, कहां मेवाड़ के में रिश्ता लेकर, तो वहां पर लोगों को लगा, मंत्रियों को लगा कि रिश्ता किसके लिए आया है, लाखा के लिए आया है। और ब्राह्मण आते ही बोलता है कि हम रिश्ता लेके आए हैं, और राणा लाखा कहते हैं कि मैं तैयार हूं शादी करने के लिए। और सभी मंत्री हंसने लग जाते हैं कि यार देखो राणा लाखा साहब कितने एज हरी के बाद भी शादी के लिए क्या है, तैयार हैं, शादी कर रहे हैं। ब्राह्मण बोलता है कि सर महाराज मैं आपके लिए रिश्ता नहीं, आपके पुत्र चुंडा के लिए लेके आया हूं। तो इतने में पास में जो मंत्री थे सेनापति थे वो हंसने लग गए, हंसने लग गए। तो ये बात देख के चुंडा को बहुत बुरा लगा, और चुंडा ने कहा कि देखो भैया मैं तो शादी करूंगा नहीं संसा भाई से, अगर आपको शादी करनी है तो किसके साथ करो, मेरे पिताजी के साथ। तो ब्राह्मण कहता है भाई साहब यार एक बार देख तो लो पिताजी की उम्र कितनी है, शादी करने की उम्र है, पिताजी 2-4 साल के ही हैं बस। बोल जो भी हो, जो गलत फहमी हुई है, आपने आते ही पहले तो नाम नहीं बताया किसका रिश्ता लेके आया, अब मेरे पिताजी ने हाँ कर दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, अपनी इच्छा प्रकट करती तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, वो तो एक मेरे माँ समान हो गई ना, मेरे पिताजी ने उसकी इच्छा प्रकट कर दी कि मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा, तो मैं तो उससे शादी कर नहीं सकता, अगर आपको करनी है तो आप किसके साथ करो, लाखा के साथ, लाखा के साथ कर सकते हो मेरे पिताजी के साथ। बोले ठीक है भैया लेकिन शर्त होंगी। ब्राह्मण ने कहा चलो अब आगे तो रिश्ता करके ही जाते हैं, तो शर्त क्या होंगी कि जो अगला शासक बनेगा, आपको पता होगा राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, अब राजा का बड़ा बेटा कौन, लाखा का, चुंडा। वैसे नियम से देखा जाए तो राजा कौन बनना चाहिए, चुंडा। तो उसने कहा कि शर्त होगी आप राजा नहीं बनोगे, जो हमारी पुत्री होगी कौन, हंसा भाई, उसका पुत्र होगा, वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है भैया ये शर्त रखी गई थी, एक बार देखो फिर से समझो, मारवाड़ के शासक कौन थे, इधर मारवाड़ रियासत इधर मेवाड़, मारवाड़ के शासक थे कौन, राणा चुंडा, ओ सॉरी भैया राव चुंडा, कौन थे, राव चुंडा, पुत्री का नाम क्या था, अंशा भाई, क्या नाम था भैया, अंशा भाई। और इस अंशा भाई का रिश्ता भेजा था किसके लिए, राणा लाखा के पुत्र चुंडा के लिए। जैसे ही दरबार में ब्राह्मण रिश्ता लेके गया तो थोड़ी गलत फहमी की वजह से राणा लाखा ने समझ लिया कि रिश्ता किसके लिए आया है, मेरे लिए। तो वहां पर बैठे हुए मंत्री हंसने लग गए, चुंडा ने वहां पर प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे पिताजी ने इच्छा जाहिर कर दी है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। तो अब इस लड़की से कौन शादी करेंगे, मेरे पिताजी ही शादी करेंगे, मतलब राणा लाखा ही शादी करेंगे। तो ऐसी बात पर हंसा भाई है वो शर्त रखती है कि देखो मैं शादी तो कर लूंगी आपसे, आप एज में इतने बड़े हो फिर भी शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है, कि अगला राजा मेरा बेटा बनेगा। अगला राजा कौन बनेगा, राजा बनेगा कौन, हंसा भाई का पुत्र। ये बात राणा लाखा ने तो नहीं मानी कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अगला राजा तो कौन बनेगा, मेरा बड़ा बेटा चुंडा। लेकिन चुंडा ने कहा ठीक है मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा कौन बनेगा, आपका पुत्र ही बनेगा, लेकिन आप शादी करो किससे, मेरे पिताजी से, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं यहां से छोड़ के चले जाऊंगा रियासत। और इनको कौन सा ठिकाना दे दिया भैया, चुंडा को उसके बाद सलूम्बर ठिकाना मिला। ओ ठीक है, तो चुंडा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह, यह बात ध्यान रखना, मेवाड़ का क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह, अपनी प्रतिज्ञा की वजह से इन्होंने अपने पिता की शादी करवाने के लिए राज छोड़ दिया था। ठीक है, अगला राजा कौन बनेगा, क्या कहा था, अगला राजा बनेगा हंसा भाई का पुत्र, ये बात ध्यान रखना। तो चार बातें देखी थी अपन ने कितनी बातें देखी थी राणा लाखा के बारे में, चार। एक तो जावर से क्या निकलने लग गई थी, चांदी, जावर से क्या निकलने लग गई थी भैया, चांदी। दूसरी पिछोला झील का निर्माण, दूसरा क्या हुआ था, पिछोला झील का निर्माण।
उसके बाद अगला जावर से चांदी पिछोला झील का निर्माण। इसके बाद अगला कुंभा हाडा की, कुंभा हाडा की किसके लिए? नकली बूंदी दुर्ग के लिए मृत्यु। नकली बूंदी दुर्ग के लिए किसने, लाखा ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और आगे पढ़ा था आपने हंसाबाई से विवाह, राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई से विवाह, जिसका रिश्ता आया था राणा चुंडा के लिए, लेकिन किसके साथ विवाह हुआ था? राणा लाखा के साथ। और इनकी शर्त क्या थी कि अगला जो शासक बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा, ये बात किसने मान ली थी? चुंडा ने। इसलिए चुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। चुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है? राणा लाखा के बारे में आज अपन ने हमीर पढ़ा, उसके बाद क्षेत्र सिंह, और उसके बाद राणा लाखा लक्ष्य सिंह पढ़ा, ठीक है भैया? इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल